जादुई चक्की। एक शहर में मोनू नाम का व्यक्ति रहता था। मोनू बहुत ही गरीब था। वह अपने परिवार के साथ बहुत ही मुश्किल से जीवन व्यापन कर रहा था, क्योंकि वह अपने परिवार को कोई भी सुख सुविधा नहीं दे पा रहा था। पर फिर भी मोनू हमेशा यही सोचा करता था कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उसको लगता था कि जरूर ईश्वर ने उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जिसे वक्त आने पर वे देंगे। एक दिन रात को मोनू जब सो रहा था तो अचानक से उसको एक सपना आता है। सपने में देखता है कि उसको एक जादुई चक्की मिल गई है और वह उस जादुई चक्की से जो भी सामान मांगता है वह सामान उसके सामने हाजिर हो जाता है। मोनू सपने में सोचता है कि उसकी सभी समस्याएं ख़त्म हो गई है, क्योंकि जादुई चक्की के सामने वह जो भी चीज़ मांगता है वह उसके सामने हाजिर हो जाती है। सपना देखते देखते मोनू बहुत ही खुश होने लग जाता है, लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है जब उसको कोई हाथ लगाकर जगाता है, तो उसका सपना भी टूट जाता है और वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। मोनू सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर अपनी पत्नी को पूरे सपने का वर्णन बताता है कि मैंने एक ऐसी चक्की देखी जो हमारे लिए काम कर रही थी। तो पत्नी उसको समझाती है कि वो बस एक सपना था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अब तुम जाग गए हो और इस तरह के सपने कभी भी सच नहीं होते हैं। बल्कि सच्चाई तो यह है कि हमारी परिस्थितियाँ ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मोनू को यह बात समझ में आ जाती है कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मोनू अपने काम में लग जाता है, लेकिन मोनू उस जादुई चक्की के सपने को भुला नहीं पाता है। उसे याद आ रहा था कि सपने में कैसे उसने तालाब के किनारे पर उस जादुई चक्की को देखा था। तभी मोनू को लगता है कि शायद यह सपना सच भी हो सकता है। वह यह सोचकर तुरंत ही तालाब के किनारे पर चला जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी चक्की मौजूद नहीं थी। यह देखकर मोनू उदास हो जाता है। तभी उस तालाब के दूसरे किनारे पर उसे एक लकड़ी की नाव लहरों के साथ में आती हुई नज़र आती है। उस नाव में कोई भी नहीं था, लेकिन जब मोनू उस नाव में चढ़कर देखता है तो नाव में उसको वो चक्की नज़र आती है। नाव में पड़ी उस चक्की को देखकर मोनू को अपना सपना सच होता हुआ नज़र आ रहा होता है। मोनू उस चक्की को उठाता है और उस चक्की को लेकर अपने घर को चला जाता है और अपनी पत्नी को जाकर कहता है, देखो ईश्वर ने मेरा सपना पूरा कर दिया। जो जादुई चक्की मैंने सपने में देखी थी वो मुझे मिल गई है। उसकी पत्नी चक्की को देखकर कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, पर तुम्हें पता भी है कि यह कैसे काम करती है। तब मोनू अपनी पत्नी को कहता है कि इसके सामने जो भी नाम लेंगे यह अपने आप घूमने लग जाएगी और वह चीज़ हमें दे देगी। पर उसकी पत्नी को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मोनू चक्की से कहता है कि हमारे घर में बहुत सारा आटा आ जाए तो चक्की चलने लग जाती है और घर में बहुत सारा आटा आ जाता है। अब मोनू कहता है कि बहुत सारी दाल भी आ जाए और चक्की एक बार फिर से चलने लग जाती है और घर में बहुत सारी दाल भी आ जाती है। मोनू उस दिन बहुत दिनों के बाद में पेट भर के खाना खा रहा था और सोच रहा था कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब मोनू के दिन बदल गए थे। अब उसके पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर मोनू ने कभी धन मांग कर लालच नहीं की। मोनू बस अपने परिवार के लिए खाना मांगता था। उसकी पत्नी को भी विश्वास हो चुका था कि अब उनके मुसीबत के दिन गुजर चुके हैं, पर उनका एक पड़ोसी मोनू को सुखी देखकर जल रहा था। मोनू का पड़ोसी सोचता है कि एक समय मोनू के पास में कुछ भी नहीं था और आज ये इतना खुशी खुशी कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है जिसका मुझे पता लगाना होगा। और ये पता करने के लिए एक रात मोनू के घर की खिड़की के पास में वो खड़ा हो जाता है और एक छेद से देखता है कि जादुई चक्की कैसे सब कुछ बनाकर मोनू को परोस रही है। एक बार में तो मोनू के पड़ोसी को यह देखकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह अपनी आंखों से यह सब देख रहा था तो वह समझ गया कि मोनू की खुशी का राज क्या है। मोनू के पड़ोसी के मन में उस जादुई चक्की को पाने का लालच जाग जाता है और उसके लिए एक रात उस जादुई चक्की को चुरा लेता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है और पत्नी से कहता है, हमें आज ही अपना शहर छोड़ना पड़ेगा, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इतना कहकर मोनू का पड़ोसी
समुंदर के रास्ते से शहर को छोड़ने के लिए अपने परिवार के समेत नाव में बैठ जाता है। बीच रास्ते में उसकी पत्नी उसको कहती है कि मुझे इस चक्की पर विश्वास नहीं है, कहीं ये साधारण चक्की तो नहीं है, एक बार इसको आजमा कर देखना चाहिए। तो उसका पति चक्की को आजमाने के लिए चक्की के सामने कहता है कि बहुत सारी दाल आ जाए तो चक्की चलना शुरू हो जाती है, लेकिन वह उसको रोकना बिल्कुल भी नहीं जानता था और चक्की चलती रहती है, जिसकी वजह से उनकी नाव डूब जाती है और पूरा परिवार समुद्र में डूब जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का अच्छा देखकर हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की कहानियों को सुनना और देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको रोज़ बरोज ऐसी कहानियाँ मिलती रहेगी।